हेलो दोस्तों, मैं रोहित खुराना, आपका होस्ट इंटेलेक्ट डाइजेस्ट हिंदी पे, और हमारे स्टूडियो में आ चुका है LG का W30। आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, क्यों नहीं खरीदना चाहिए, आज इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। मेक श्योर आप ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि आपको ये फ़ोन ऑर्डर करना है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। LG W30 एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन के साथ आता है। इसमें 6.26 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसमें MediaTek का P22 प्रोसेसर दिया गया है, जो एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, 2 GHz की स्पीड पे चलता है। साथ ही में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप दिया गया है। 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी के साथ आता है और 10,000 की कीमत में आता है। इस फ़ोन की कई अच्छी चीज़ें हैं और कई बुरी चीज़ें हैं जो हमें अच्छी लगें, कुछ अच्छी नहीं लगें। तो आइए उन सब के बारे में आपको एक एक करके बताते हैं। पहले रीजंस बताते हैं आपको ये फ़ोन क्यों खरीदना चाहिए, फिर बताएंगे क्यों नहीं खरीदना चाहिए। पहला रीज़न है इसका डिज़ाइन। इस फ़ोन का डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा। हालांकि इसमें पीछे की तरफ ग्लास नहीं है, जो आपको कुछ फ़ोन्स में मिल जाएगा रेडमी वगैरह में। साइड में मेटल नहीं है, पीछे भी प्लास्टिक है, आगे भी प्लास्टिक है और थोड़ा सा ग्लॉसी है, फिंगरप्रिंट भी अट्रैक्ट करता है। लेकिन डिज़ाइन के मामले में आप देखेंगे हैंडल करने में आसान है, राउंडेड एजेस हैं फ़ोन का डिज़ाइन, वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा लगा और ये अच्छी फिनिशिंग के साथ आता है। तो अगर आपको एक अच्छा दिखने वाला फ़ोन चाहिए तो आप LG W30 खरीद सकते हैं। दूसरी चीज़ जो अच्छी लगी वो है इसका ट्रिपल कैमरा सेटअप। इसमें दिया गया एक 12 मेगापिक्सल का लो लाइट कैमरा, एक 13 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। इससे आपको मिल जाती हैं कुछ अच्छी कैमरा कैपेबिलिटीज़। इसमें फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। मैंने कुछ पिक्चर्स खींची हैं, आपको दिखाता हूँ। ये फ्रंट कैमरा की पिक्चर है 16 मेगापिक्सल की। हालांकि इसकी डायनामिक रेंज मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन इसमें क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, तो आप सोशल मीडिया के लिए पिक्चर्स खींच सकते हैं। अगर मैं आपको रियर कैमरा की परफॉर्मेंस दिखाऊं तो ये है कुछ शॉट्स जो हमने इसके रियर कैमरा से लिए हैं। ये है एक वाइड मोड पिक्चर जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी विड्थ ऑफ फील्ड है। ये नॉर्मल मोड पिक्चर है उसी फ्रेमिंग के साथ। नॉर्मल और वाइड में आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है। और ये है एक बोके पिक्चर जिसमें ये ऑब्जेक्ट ब्लर्ड आउट है और ये ऑब्जेक्ट फोकस में है, और आप देख सकते हैं कि इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो इसके जो मोड्स हैं वो ठीक से काम करते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे मोड्स दिए गए हैं। जो वाइड कैमरा है उसकी क्लैरिटी और कलर एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो मेन कैमरा है उसकी कलर एक्यूरेसी भी अच्छी है और उसकी डिटेलिंग भी अच्छी है। फ्रंट फेसिंग कैमरा भी ठीक ठाक काम करता है, तो कैमराज इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर आप कैमरा के लिए खरीद रहे हैं तो आप इस फ़ोन को खरीद सकते हैं। ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको ईजिली 10,000 से नीचे में नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ जो इसकी अच्छी है वो है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। काफ़ी एक्यूरेट है, फास्ट नहीं है, रेडमी के स्कैनर इससे फास्ट होते हैं, ये उतना फास्ट नहीं है, बट ये एक्यूरेट है। आप जितनी बार भी इसको यूज़ करेंगे ये उतनी बार लगभग बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट चीज़ जो इसकी अच्छी लगी वो है फेस अनलॉक। 10,000 से कम की कीमत में आपको फेस अनलॉक मिल रहा है, लेकिन ये 2-3 सेकेंड्स लेता है। मैंने इसको अनलॉक किया, मैं इसके सामने आया और ये अनलॉक हुआ। 2 से 3 सेकेंड का इसमें लैग है आपको जो दिख रहा होगा। पांचवी चीज़ जो अच्छी लगी वो है इसका स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्विचिंग काफ़ी फास्ट है, इसमें ज़्यादा ब्लोटवेयर नहीं है, फालतू की एप्लीकेशंस नहीं है। फ़ोन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ 3 GB रैम के साथ है, बट फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट स्टॉक एक्सपीरियंस दिया गया है। छठी चीज़ जो अच्छी है वो है इसका कलर क्वालिटी। डिस्प्ले जो है वो HD है, फुल HD नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं और इसकी कलर सैचुरेशन काफ़ी अच्छी है, तो ये चीज़ कमेंडेबल है। LG ने हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले ना डालने के बावजूद भी अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले डाला है। और आठवीं चीज़ जो इसके फेवर में जाती है वो है इसकी साउंड क्वालिटी। हालांकि इसमें स्टीरियो साउंड नहीं है, जो कि आपको 10,000 से कम फ़ोन में वैसे भी नहीं मिलती है ज़्यादातर, बट जो भी इसमें साउंड स्पीकर यूज़ किया गया वो काफ़ी लाउड है। तो अगर आप मूवीज़ या वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो आप उसको इन्जॉय कर सकते हैं। स्पीकर यहाँ की तरफ दिया गया, नीचे की तरफ आप अगर गलती से इसको कवर कर देंगे तो आवाज़ काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन स्पीकर काफ़ी लाउड है इसका। ये तो हो गई इसकी 8 अच्छी बातें। अब हम आपको बताते हैं इस फ़ोन को क्यों ना खरीदें। इसमें 3 ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है आप इस फ़ोन को छोड़ सकते हैं। पहली कमी है कि इसमें फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं मिलता है। आपको इसी कीमत में कई फ़ोन्स कई ब्रांड्स के मिल जाएंगे जो कि HD नहीं जबकि फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ आते हैं, तो ये पहला डील ब्रेकर है। आपको उतना वैल्यू नहीं मिल रहा है जितना आपको कुछ और फ़ोन्स में मिलता है। दूसरा रीज़न है इसका सिम कार्ड स्लॉट जो है वो एक हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट है। इसका मतलब इसमें 32 GB की मेमोरी है,
अगर आपके 32 GB फुल हो जाते हैं तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, आप सेकेंड सिम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप मेमोरी एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपको सेकेंड सिम हटा के मेमोरी कार्ड डालना होगा, इसमें डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं है। और तीसरा डील ब्रेकर ये है, ये फ़ोन गेमर्स के हिसाब से नहीं बनाया गया है। इसकी जो परफॉर्मेंस है, 3 GB रैम और मीडिया टेक का P22 प्रोसेसर और इसका पावर VRGE30 8320 जो इसका GPU है, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो गेम्स को थोड़ा स्लो कर देता है, थोड़ा स्टटर आता है, फ्रेम ड्रॉप्स भी आपको मिलते हैं। तो अगर आप गेमर हैं और गेम खेलने के लिए फ़ोन खरीद रहे हैं तो ये फ़ोन आपके लिए नहीं है। ये फ़ोन किसके लिए है? ये फ़ोन उनके लिए है जो फोटोज़ खींचना चाहते हैं, जिनके लिए डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है, जिन्हें गेम्स नहीं खेलने हैं, जिन्हें हाई परफॉर्मेंस से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, जिनको डे टू डे टास्क में एक सिंपल फ़ोन चाहिए जिसकी बैटरी अच्छी हो। इसमें 4000 mAh की बैटरी दी गई है। तो अब आपको पता चल गए हैं रीजंस इस फ़ोन को खरीदने के और ना खरीदने के। इसको खरीदें तो क्यों खरीदें, ना खरीदें तो क्यों ना खरीदें। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसके बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जहाँ से आप इसको बेस्ट बाय प्राइस पे खरीद सकते हैं। 9999 रुपये की इसकी कीमत है। कुछ ऑफर्स वगैरह भी चल रहे हैं आजकल, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें थम्स अप करके, नीचे लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इस वीडियो में इतना ही, आपसे जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपका दोस्त रोहित खुराना, इंटेलेक्ट आज हिंदी पे आपसे विदा लेता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।